कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी मध्य प्रदेश भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, राज्यसभा सांसद एडवोकेट विवेक तनखा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल तथा डॉक्टर गोविंद सिंह, विधायक अभय मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा एवं शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल तथा अन्य कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी रीवा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जरूरत नहीं है, हम अपना के बीच में सीधी लोकसभा चुनाव के बाद हर विधानसभा में अपना से विनती जरूरी करे हो तब विस्तार से अपन बात करें। आज सिर्फ इतना कहना चाहिए कि यह मौका है, यह मौका हम पंचे चूकी ना विंध के राजधानी रीवा, और जब संविधान खतरे में है, जब सब तरह के तरफ के नजर लगी लागी है, ऐसा समय में हमारे पंचन के नैतिक जिम्मेदारी बनत है कि जे जहां है जौने गांव कस्बा में है, हम बहुत बड़े नेता न हुए हैं लेकिन अपने टोला मोहल्ला पंचायत के तो है, यदि वही का संभाल ले तो नीलम भाभी अपना के सांसद हो जाएगी। यह बात आए बड़े विस्तार से पंखा जी, जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी बोल चुके। कैसा हो पांच ये 20 दिन बाद कुछ भी करने लग जाए, अगला जो धंधा है उसका भू माफिया का वो शुरू कर देगा, एग्रीमेंट साइन कर रहा होगा, लेकिन ये 20-25 दिन तो जो हवा में उड़ते हैं वो जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन लगता है कि सांसद महोदय अभी तक जमीन पर नहीं, जब लोगों ने उनसे कहा कि वो एक हैंडपंप आदिवासी बस्ती में गए थे अपने खुद के गांव के अंदर ही, और उनसे कहा था कि ये हैंडपंप आप ठीक करवा दें, तो उनने सीधा जवाब दिया कि हैंडपंप मैं ठीक नहीं कराऊंगा, जिसको वोट दिया है उसको उससे ठीक करवाओ। तो बेचारे आदिवासी ने कहा कि हमने तो वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दिया था, तुमने कहा आपने वोट दिया था मोदी को, मोदी से बात करा वो आके ठीक कराएगा हैंडपंप। आप सोचिए किस तरह का यह सांसद है, ये तो चलो सांसद और उप मुख्यमंत्री की बात हुई है, और जो असली सरदार बैठा है दिल्ली के अंदर उसके बारे में आप सब जानते हो, एसबीआई के घोटाले के बारे में आप सब जानते हो, इस देश में नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज ये बात कर रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार, आप सोचिए, और वैसे भी रीवा के लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इनका नाम देश और दुनिया के अंदर होता है, इसलिए रीवा के लोगों सोचो कि 400 पार क्यों बोल रहे हैं, 280 पर तो सरकार बन जाती है लेकिन 400 की क्यों उम्मीद, इनको उम्मीद है, ये इसलिए उम्मीद है कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, जिस तरह से चीन के अंदर और जिस तरह से रूस के अंदर ये समाप्त करना चाहते हैं चुनाव को, और शायद ऐसा ना लगे कि आइए देश के अंदर आखिरी चुनाव हो रहा है, अपने आप को जीवन भर के लिए घोषित करना चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति रहूंगा, मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।